पूनम कुछ मैसेज देना चाहती है जैसे तेरे जैसे स्टूडेंट आ रखे हैं यहाँ पे या आने वाले हैं उनके लिए? हाँ, मैं सबको बोलना चाहूंगी कि जो आ रहे हैं अभी बहुत मेंटली स्ट्रोंग हो के आना। यहाँ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी होते हैं, क्योंकि काम पाना भी बहुत मुश्किल है, रूम पाना भी बहुत मुश्किल है, और यहाँ सब कुछ एक्सपेंसिव है, इतना खुद का खर्चा नहीं बनता यहाँ। One chicken momo and one veg momo. One chicken momo, one veg momo. Yeah, two. Two. Okay. Thank you. Take right here, sir. Take care, sir. Please, can I have two chicken momo for table 12? Okay. Please, thank you. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you. सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं आ रहा हूँ द वाइट स्वैन पब में, जो वेस्ट ब्रॉमिच में है, और हमारे क्लिक रन करते हैं और कहते हैं कि सबसे अच्छा अपना काम होता है, उत्तम खेती मध्यम मांड होते हैं जिसको। तो नौकरी करने से तो बहुत ही उत्तम है कि अपना काम धंधा खुद का हो तो बहुत ही बेहतर है। सबको नमस्कार फिर से एक बार। तो आज हम बनाएंगे चिकन मोमो, और मोमो बनाएगी कौन? पूनम। पूनम बनाएगी। तो जब तक शेफ पूनम मोमो बना रही है तब तक हम बनाएंगे चटनी। कौन सी चटनी इसके साथ अच्छी लगेगी? क्या ये मोमो के साथ एक टमाटर का ऑथेंटिक चटनी होता है, वो इसके लिए मसाला भी अलग से होता है। ये हमारा सिसमी सीड पाउडर भून के रखा है, ये भून के उसके बाद पाउडर बना के रखा। हाँ जी। उसके बाद ये सीजन पेपर है, इसको नेपाली में टिमुर भी बोलते हैं। टिमुर है। हाँ जी। और ये सॉल्ट है, और ये हल्दी है। हल्दी है। हाँ जी। उसको बाद में हमने इसमें थोड़ा लेमन जूस करके, और ये टमाटर को पहले ये टमाटर को रोस्ट करके उसके बाद इसको ब्लेंड करके उसके बाद इसको क्रिस्प पाउडर बनाएंगे। चटनी बना रही है। चटनी बना। अब आप इसकी चटनी बनाई है। हाँ जी। इसको पहले रोस्ट करेंगे। हाँ। टमाटर भी एकदम जबरदस्त है, पहाड़ की याद दिला रही इसमें। एकदम हमारे यहाँ ऐसे टमाटर होते हैं, मीठे टमाटर हैं, सुगर ड्रॉप टमाटर बोलते हैं। ये हमने अभी टमाटर वॉश करके लेके आया, अब इसको हमने तोड़ के तंदूर में रोस्ट करना है। अच्छा। जब टमाटर परफेक्टली रोस्ट हो जाएगा उसके बाद गार्लिक को थोड़ा गार्लिक का तड़का लगा के इसको फिर फ्राई पैन में थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। जब ऐसा अगर घर पे बनाना हो, घर पे तो तंदूर नहीं होता है, तो फिर कैसे रोस्ट करना है इसको? इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सीधा इसको छोटा छोटा पीस करके सीधा गार्लिक के साथ फ्राई पैन में भी रोस्ट कर सकते हैं। फ्राई पैन में। और ये टमाटर को रोस्ट करेंगे, और आपके पास रोस्ट करने के लिए घर पे तंदूर तो होता नहीं। हाँ जी। वो आपने फ्राई पैन में की छोटा चॉप करके फ्राई पैन में गार्लिक के साथ रोस्ट भी कर सकते। तो हमने बाद में ये नीचे से प्याज का सपोर्ट दिया। अच्छा, ये आपने सपोर्ट दिया कि नीचे ना गिरे टमाटर, नीचे ना गिरे करके। तो इसको ये रोस्ट किया हुआ ऑनियन को बाद में टमाटर उसमें भी डाल सकते हो, चटनी में भी डाल सकते हैं। हाँ जी। इसके बाद ऐसा रख दीजिए नीचे और गैस को तेज करना। ओके। तो प्याज भी फर्स्ट क्लास पक जाएगा। हाँ जी, पूरा। साथ में चटनी भी काम आ जाएगा। हाँ जी, ये पूरा सेट हो जाएगा। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर, क्योंकि जल्दी रोस्ट हो जाएगा। गार्लिक किस लिए? ये गार्लिक भी रोस्ट करके चटनी में डालेंगे ना, चटनी बहुत अच्छा हो जाता है, इसी के लिए इसको भी तंदूर में रोस्ट करना है। रोस्ट करने के लिए ये सीख में डाल रहा हूँ मैं। हाँ जी। इसको भी अभी रोस्ट करेंगे। इसको डाल दिया तंदूर पे। अब देखिए जी, टमाटर रोस्ट हो गया प्रॉपरली। अब इसको हम बाहर निकालेंगे।
देखिए अच्छे से रोस्ट हो गया, इसको थोड़ी देर इधर हैंगिंग कर देंगे, ठंडा हो जाएगा है। हाँ जी, जब चटनी में कुछ डालेंगे ग्रीन चिल्ली डालेंगे और थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली से अच्छा सूखा हुआ ड्राई चिल्ली डालेगा और बहुत टेस्ट हो जाता है। ड्राई चिल्ली रोस्ट करके डालना है, ऐसे डालना है? रोस्ट करके, रोस्ट करके। हमने बर्तन में निकालेंगे, ये प्रॉपर रोस्ट हो गया। तो प्याज भी डालेंगे सब इसमें? हाँ जी, ये टमाटर चटनी मोमो के चटनी में थोड़ा सा प्याज भी डालना पड़ता है। तो जिंजर को भी आप रोस्ट करेंगे? हाँ जी, क्योंकि रोस्ट करके बहुत अच्छा, तो ऐसे भी डाल सकते हैं मगर रोस्ट करके बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये हमने गार्लिक रोस्ट कर रहा था, ये गार्लिक रोस्ट हो गया, गार्लिक रोस्ट हो गया। हाँ जी, अब इसको हमने इसी में डाल देंगे ये टमाटर। ये हमारा अदरक भी रोस्ट हो गया। हाँ जी, तो इसको भी इसी में डालेंगे। नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, हल्दी ऐड कर देंगे कलर के लिए, और इसमें डालेंगे हम धनिया। कुछ नहीं जाएगा, पुदीना नहीं जाता इसमें। अच्छा, अब हम इसको पानी डाल के पकाएंगे थोड़ी देर, ज्यादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ है, रोस्ट हो रखा है। नहीं, सब रोस्ट किया हुआ है। अब हमने इसमें इम्पोर्टेंट थी अभी डालेंगे कि हमारा ये मेन चीज़, ये दो चीज़ें भुना हुआ है सिसमी सीड, मतलब तिल रोस्ट किया हुआ है, पाउडर रोस्ट किया हुआ तिल है, और हमने ये रख दी, ये ज़्यादा नहीं डालना चाहिए एक्चुअली। ये क्या है कि ये सीजन पेपर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसके लिए हमने ये थोड़ा डाली, टिमूर बोलते हैं इसको, टिमूर। इसमें हम थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको ब्लेंड करेंगे। दिखने से एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम चटपटी और मज़ेदार बनी होगी। चटनी ठंडा हो गया, अब हम इसको मिक्सर में पीसेंगे, टेस्ट करेंगे। कुछ तड़का वड़का मारना है? कुछ नहीं मारना, नहीं, सीधा रेडी टू गो है। रेडी टू गो। ये हो गया हमारा चटनी ब्लेंडर। अच्छा, इसमें कुछ ऐड करना भी? अभी इसमें ओनली लेमन जूस डाल, लेमन जूस है। अरे बस करो यार, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वाह, वेरी नाइस। हम इधर चिकन कीमा डाला। कितने किलो के मोमो से? ये हाफ के जी। हाफ के जी। कितने मोमो बन जाएंगे इसमें? इसमें ऑलमोस्ट 30-40 वेजिटेबल डालेंगे ना। हाँ, वेजिटेबल डालने के बाद 30-40 करेंगे, ओनियन वेजिटेबल सब कुछ डालेंगे इसमें। हाँ, वेजिटेबल क्या क्या डालेंगे आप इसमें? इसमें डालेंगे ओनियन, स्प्रिंग ओनियन, कैबेज। स्प्रिंग ओनियन इसमें डालेंगे हैं? हाँ जी, किम्मा में डालेंगे। स्प्रिंग ऑनियन डाली है हमने, अब इसमें डालेंगे धनिया, हरा धनिया है, थोड़ा गार्लिक, सब के वो गार्लिक, फ्रेश गार्लिक है, यस। उसके बाद इसमें डालेंगे एक ऑनियन, क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से एक ऑनियन डालेंगे। ये भी इसमें डालेंगे, इसमें पत्ता गोभी भी डालेंगे। अच्छा, इसमें पत्ता गोभी भी डालेंगे? हाँ जी। अच्छा, मैं एक बात बताओ,
जो वेज मोमो बनता है ना, हाँ जी, वो किस चीज का बनता है, क्या क्या डालते हैं उसमें? वेजिटेबल में तो बीन्स और कॉलीफ्लावर ये सब कुछ मिक्स करके चॉप करके हैं, चॉप करके डाल लीजिए। कॉलीफ्लावर के फूल गोभी ना? हाँ जी, व्हाइट वाले। हाँ जी, इसमें हमने डाला सॉल्ट। हाँ जी, एक्चुअली लोगों ने अजीनोमोटो भी यूज करते मगर हमने नहीं डाला। इसमें सॉल्ट डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डाल दिया। और हल्दी? हाँ जी। अच्छा, ये आपने बटर ऐड किया इसमें? हाँ जी, एक से थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है और जूसी बन जाता है। जूसी बन जाता है। हाँ जी, अब हमने इसको मिक्स कर दिया है। मोमो के लिए किम्मा हो गया रेडी। इसमें हमने आधा किलो किम्मा में थोड़ा सा ऑनियन डाला, थोड़ा कैबेज डाला, थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डाला, थोड़ा हरा धनिया डाला, उसके बाद थोड़ा सा गार्लिक भी डाला। हाँ जी। अब हमने इसमें उसके बाद सॉल्ट डाला, हल्दी डाला और थोड़ा घी डाला। घी या मक्खन है? उसके बाद इसको प्रॉपरली मिक्स करके ये हो गया रेडी। मोमो के लिए आटा मिक्स करेंगे। कौन सा आटा मिक्स करते थे? ये प्लेन फ्लावर। प्लेन फ्लावर है? थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करके इसको बहुत टाइट लगाना पड़ता है मैदा ये प्लेन फ्लावर, क्योंकि ये गीला होगा तो मोमो अच्छा नहीं बनता है, तो टाइट लगाना पड़ेगा ना। हाँ जी। तो आप डेली बनाते हैं मोमो? हमने एक्चुअली ऐसा करते हैं कि मतलब हफ्ते में दो बार तीन बार मोमो बनाते। अच्छा, फ्रेश मोमो बेचते हैं ना? हम लोग हमेशा फ्रेश मोमो बेचते हैं। ये हमारा पॉप पुष्परमीच में है, व्हाइट स्वान बार बोलते हैं हमारा पॉप को, अभी नया खुला हुआ है। तो जिसने भी फ्रेश मोमो खाने हैं तो आप लोग इधर आ सकते हैं, एकदम ताजे ताजे हैं। हाँ जी, हम हफ्ते में दो तीन बार मोमो बनाते हैं। तो ये आटा रेडी हो गया, तो मैं इसको आप 10-15-20 मिनट के लिए इसको ऐसे कवर करके रखेंगे ताकि थोड़ा सेट हो जाए, आटा इतना टाइट होना चाहिए। चलो पुनः आ जाओ, ये मोमो बना लो, अब मैं बिजी हो गया, इधर ऑर्डर आ गया। ओके ओके सर। पूनम, पहले घर में बनाए मोमो? हाँ, बहुत बार बनाया है। किसने सिखाया तेरे? मम्मी ने सिखाया तेरे को? नहीं, मेरी सिस्टर ने। सिस्टर ने? छोटी सिस्टर ने, बड़ी सिस्टर ने? बड़ी सिस्टर ने। फिर मैं आई हुई नेपाल से 4 महीने। 4 महीने कौन सी पढ़ाई करी है? मैं मार्केटिंग। मार्केटिंग, तो पूनम आप तो बहुत लक्की हो कि तुम्हें दीदी ने मोमो बनाना सिखा दिया। हाँ। और सब लोगों ने तेरे को यहाँ पे जॉब दे दिया। पता है यहाँ पे इतने लड़के आ गए स्टूडेंट अभी ना, बहुत लड़के आ गए। कोई बेचारा बिल्डर का काम कर रहा है, कोई ईंटें उठा रहा है, कोई रोड़ी उठा रहा है, कोई बजरी उठा रहा है, कोई भांडे धो रहा है। यू आर लक्की है कि तू शेफ बन गए एकदम आके ना। तो काम से कभी शर्माए मत करो किस चीज़ के ना। पूनम, ये पानी क्यों डाला ट्रे में? ये पानी नहीं, तेल है। तेल? अच्छा, ये चिपकता है ना। पूनम कॉलेज कब जाती है? मेरा कॉलेज सिर्फ 3 दिन होता है। अच्छा, और जैसे काम करती है तो पढ़ाई का टाइम मिल जाता है तुम्हें? काम तो मैं सिर्फ 20 आवर्स करती हूँ ना, और फिर मैं वीकेंड्स में करती हूँ, वीकडेज में पढ़ाई करती हूँ, मैं टाइम निकाल देती हूँ अपने लिए। अच्छा अच्छा, क्योंकि मेन फोकस तो भी पढ़ाई पे है ना। हाँ। तो कौन सा कोर्स बोल रही थी आप? मेरा मार्केटिंग। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा अच्छा। और जो स्टूडेंट आने वाले हैं, जो तेरे कुलीग हैं, तेरे जैसे जो स्टूडेंट हैं, उनको क्या बोलना चाहेगी? मैं उनको बोलना चाहूंगी कि मेंटली प्रिपेयर होके आओ, कुछ काम सीख के आओ तो बेटर होगा। बेटर होगा, गुड। पूनम, अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको स्टीम करेंगे।
और कैसे कैसे खा सकते हैं इसको? झोल के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, और चिल्ली मोमो बना सकते हैं। चिल्ली मोमो भी बना सकते हैं। चिल्ली मोमो कौन अच्छा बनाता है? भगत सेफ अच्छा बनाता है। अरे वाह भाई, आज बनाएगा फिर ना। पूनम आप तो लड़के हैं ना, आप तो मेहनती हैं, काम कर लेती हैं। कोई कोई लड़के भी बहुत मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं बेचारे। यहाँ पे मैसेज देना चाहती है जैसे तेरे जैसे स्टूडेंट आ रखे हैं यहाँ पे या आने वाले हैं उनके लिए? हाँ, मैं सबको बोलना चाहूँगी कि जो आ रहे हैं अभी बहुत मेंटली स्ट्रोंग हो गया ना, यहाँ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी होते हैं, क्योंकि काम पाना भी बहुत मुश्किल है, रूम पाना भी बहुत मुश्किल है, और यहाँ सब कुछ एक्सपेंसिव है, इतना खुद का खर्चा नहीं बनता यहाँ। पूनम छीटो करो, छीटो छीटो, समझते है ना? समझती हूँ, नेपाली हूँ मैं तो। अच्छा, नेपाली में छीटो किसको बोलते हैं? जल्दी को। हाँ तो जल्दी कर, ऑर्डर आ गया। आ गया ऑर्डर? हाँ। सेफ रेडी हो गए मोमो। वाओ वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू, वेलकम। चलो अब इसको स्टीम करो। अच्छा तो पूनम अभी शेफ क्या कर रहे हैं? अभी ये फ्राई करने के लिए डाला है। चिल्ली मोमो बनाएंगे ना? वाओ वेजिटेबल मोमो है, झोल बोलते हैं, झोल के साथ है, और ये चिकन मोमो है। हमने इसको इसी के लिए ग्रीन बना रखा है कि कभी कन्फ्यूज ना हो जाए। तो ग्रीन कैसे बनाए ये? इसको हमने जो पालक को ना, फ्रेश पालक को पेस्ट बना के इसके साथ मिक्स किया। मिक्स किया और ग्रेवी डाल दो झोल मोमो। हाँ जी, दोनों ये टमाटर की चटनी है, जो चटनी बनाया है उसी को हमने थोड़ा पतला करके इसको झोल बनाया। झोल चिकन मोमो, ये वेज झोल मोमो, स्टीम मोमो और चिली मोमो तैयार है। अब करेंगे हम इसको टेस्ट। Thank you. This is amazing.